चौथे चरण के लिए मतदान के लिए झारखंड में 4 सीट पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। वहीं सिंहभूम लोकसभा सीट से कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। जानकारी दे रही है संवाददाता मनोज। निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के प्रक्रिया का आखिरी दिन यानी अब तक 21 लोगों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वैसे 21 लोगों ने जब पर्चा दाखिल किया उसके बाद अब स्क्रूटनी होगा, उसके बाद नाम वापसी लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिए यह समरणालय है, यहीं पर जो प्रत्याशी है वो 21 प्रत्याशी अब तक अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। 21 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया है, लेकिन सबसे अहम बात, यहाँ दो वैसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन से का जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर अपना पर्चा दाखिल कर चुकी है। लेकिन सब तीसरा व्यक्ति कृष्णा मार्डी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले थे लेकिन झारखंड उलगुलान पार्टी के नाम से अब यहाँ से वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जब मैं संसद था उसमें कुछ और बात थी, भी जो सरकार यहाँ पर है राज्य सरकार, ये राज्य सरकार तो ऐसा है कि अब क्या लोग काम कर रहा है, लोग जो है लोगों को उत्थान करना चाहिए तो जेल में घुस रहा है लोग। ये बहुत सबसे दुखद बात है, झारखंड की धरती में झारखंड के लोग जो है आज राज कर रहे हैं और जेल में ढुक। मोर्चा दो पार्ट में बटा, झारखंड मुक्ति मोर्चा मार्डी और सोरेन रहा और हम कभी झुके नहीं, लेकिन इन लोगों ने हमेशा जो है यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम किया। और जिसके काम जब हमारे घर के लोग कोई खड़े होते हैं तो बोलता है कि नहीं परिवारवाद है, और आज जो है उसके कौन सा, आज शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, सीता सोरेन, कल्पना सोरेन और क्या, सब तो परिवार के लोग हैं और नहीं है क्या लोग में। जोबा मांझी और गीता कोड़ा के बीच जहां सीधा मुकाबला है वहीं बीच में कृष्णा मांडी भी अब खेल बिगाड़ सकते हैं। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।